सब्सक्राइब करें लक्ष्मी हाउस टेलरिंग को सिलाई से जुड़ी नई नई चीज़ सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड नमस्ते। तो आज बताएंगे आस्तीन की कटिंग पेपर पर सीखेंगे और बहुत ही सरल बहुत ही इजी तरीके से। तो आज हम आस्तीन बताने जा रहे हैं 11 इंच की, जिसमें हम दो साइज की आस्तीन की कटिंग बताएंगे। फ्रेंड वीडियो में फुल बने रहिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए पहले लगाते हैं हम लंबाई का निशान। तो ये है हमारा 11 इंच, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने, इसलिए हमें ऊपर से भी ज़रूरत पड़ेगी दबाने के लिए और नीचे से अंदर पलटने के लिए यहाँ से। तो हमने तभी 13 पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, यहीं से हम कटिंग कर लेंगे। अब करते हैं कटिंग। इसे अलग हटा देते हैं। तो अब लगाते हैं निशान। यह है हमने 2.25 इंच पे निशान लगा लिया है। इसको हम अंदर पलटेंगे, इसे भी हम सीधा कर लेते हैं। अब लगाएंगे मोहरी का निशान। मोहरी है हमारी 5 इंच की, तो हमने 5 इंच पे निशान लगा लिया। एक निशान यहाँ से लगाएंगे हम 8 इंच पे, और यहाँ से देना है हमें नीचे से गहराई ढाल, तो यहाँ पे लगाएंगे 3 इंच पे हम। तो यहाँ पे हम पहले 3 इंच बराबर करते हैं। तो ये हमारा 3 इंच, और 1 इंच हमें ऊपर बढ़ा के लगाना है इस तरह से। इसे अब हम सीधा कर लेंगे स्केल से, जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ से वहाँ तक मिलाएंगे इसे। इसे यहाँ पे मिला दिया है, 1.5 इंच नीचे हमें मार्जिन के लिए चाहिए, इसे भी हम इसे मिला लेंगे। इसे भी हम सीधा कर लेंगे स्केल से, और जो एक्स्ट्रा पेपर है हम उसे काट के निकाल लेंगे। अब हमें इस तरह से घुमा के इस तरह से हल्के हल्के से हमें ढाल देना है। ये हमारा बैक पार्ट था, ये है हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरह से हम आस्तीन की करेंगे कटिंग, बहुत ही सरल है। देखिए 1 इंच का स्पेस है इसमें। इस तरह से आस्तीन की कटिंग करते हैं, बहुत ही अच्छा ढाल बन के आता है, एकदम फिटिंग की आती है। तो ये पेपर पे सीखने के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं उसी के हिसाब से हमें कटिंग कर लेना है। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हम इसी हिसाब से निशान लगा के हम कटिंग करेंगे, और किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही सरल आइडिया है, बहुत ही ज़्यादा सरल है फ्रेंड। तो ये हमारी हो गई है 11 इंच की आस्तीन, और ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। हमें आस्तीन में ढाल जरूर देना पड़ता, नहीं तो आस्तीन की फिटिंग अच्छी नहीं आती है एकदम। तो हमने 11 इंच की आस्तीन काट के तैयार कर ली है। यहाँ से हम अंदर पलट के भी दिखाते हैं। तो आज हम 2 साइज की आस्तीन बताएंगे। तो हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। चलिए बताते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है।
इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे। जब आस्तीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरह से हमें याद रखना है। बहुत ये बात है कि हमें बैक में कौन सी साइज लगाना है, फ्रंट में कौन सा। तो चलिए अब बताते हैं दूसरी साइज की आस्तीन। ये हम बनाएंगे 13 इंच की आस्तीन। ये हमारा फुल है, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना चाहिए, तो इतने की पर है नहीं। जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ही कटिंग करेंगे। अभी तो हम बिल्कुल फिटिंग बता रहे हैं 13 इंच की। तो ये है हमारी मोहरी 5 इंच, यहाँ से लगाएंगे 8 इंच पे। 1 इंच हमें ऊपर के लिए लगाना है। यहाँ से हमें 3 इंच पे लगा लेना है इस तरह से। अरे आपके सामने ही रखा है बिल्कुल। अब हम स्केल से ये निशान जो लगाए हैं उन निशानों को मिला देंगे, बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हो गया है सीधा। जब सिलाई लगाते हैं इसी पे लगाते हैं तो हमारी सिलाई भी बहुत अच्छी आती है। ये हमारा मार्जिन के लिए। अब देते हैं चलिए ढाल, यहाँ से देना है हमें। ये बैक पार्ट का ढाल है। अब हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। जब हम आस्तीन की ज्वाइन करेंगे तो फ्रंट पार्ट को कम वाली साइड से ज्वाइन करना है और बैक पार्ट में ज़्यादा वाली है साइड उससे ज्वाइन करना है। अब हम काट लेते हैं फटाफट। तो बहुत सरल है, बहुत इजी है आस्तीन की कटिंग करना। किसी भी साइज की आस्तीन की कटिंग करें तो इसी के हिसाब से करें। वैसे तो हमें अगर नाप वाला बनाना है ब्लाउज तो हम ब्लाउज के नाप से ही कटिंग करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर थोड़ी सी पसंद आए तो हमारे चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हमने 2 साइज की आस्तीनें बताई हैं। ये हमारी 13 इंच की आस्तीन है। और दूसरी हमारी 11 इंच की आस्तीन है। फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।